हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम मुस्कान भंडारी एंड यू आर वाचिंग क्राफ्ट एंड शूट। आई होप यू ऑल आर फिट एंड सेफ एंड हेल्दी। सो आज मैं आपके लिए एक टॉप बनाने वाली हूँ, वो भी ऑफ शोल्डर, और हम फैब्रिक यूज़ करेंगे हमारे ऑल दुपट्टे को एज यूजुअल। मैंने पहले भी मेंशन किया कि मैं न्यू फैब्रिक्स नहीं परचेज करती हूँ, मैं ओल्ड फैब्रिक ही यूज़ करती हूँ। साड़ी हो गया, दुपट्टा हो गया, कुछ भी, जीन्स हो गई, शर्ट हो गई। सो आप भी अपने पुराने कपड़ों को यूज़ कीजिए और एनवायरमेंट को बचाने में भी मदद कीजिए और आप अपनी मनी भी सेव कर सकते हैं। सो देर न करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑफ शोल्डर टॉप बनाने के लिए हमें चाहिए मेन फैब्रिक, लाइनिंग फैब्रिक, सिजर्स, इंच टेप, थ्रेड, मार्किंग चॉक, स्केल, कुछ पिंस और मेजरमेंट। सबसे पहले हम मेजरमेंट समझ लेते हैं। लेंथ चाहिए, चेस्ट चाहिए, रिस्ट चाहिए, हिप चाहिए, स्लीव लेंथ चाहिए, स्लीव ओपनिंग चाहिए और राउंड शोल्डर चाहिए। आप कह सकते हैं एच पी एस से 1 फुट डाउन, और जो हाईएस्ट नेक जो हमारी होती है, नेक पॉइंट जो होता है, वहाँ से 4 इंच डाउन ओवर ऑल शोल्डर का मेजरमेंट वो होगा 38 इंचेस। तो लेंथ मैंने अपने 22 इंचेस लिए। आप अपने अकॉर्डिंग जितना लंबा आपको बनाना है आप ले सकते हैं। चेस्ट 38 इंचेस प्लस 1 इंचेस, वेस्ट 34 इंच प्लस 1 इंच फॉर ईज, हिप 38 इंच, स्लीव लेंथ 15 इंच, स्लीव ओपनिंग 5 इंच और शोल्डर चाहिए हमारा 7 इंच, यानी कि हाफ 7 इंच और फुल 15 इंच। सबसे पहले हमारा जो लाइनिंग फैब्रिक है उसको कट करेंगे। अच्छे से लाइनिंग फैब्रिक को बिछा लेते हैं। लाइनिंग को अच्छे से बिछाने के बाद हम हमारे मेजरमेंट को मार्क कर देंगे। सबसे पहले हम हमारी लेंथ मार्क करेंगे, जो कि मेरी है 22 इंच। और उसके बाद हम लेंगे शोल्डर, हाफ ऑफ शोल्डर 7 इंच और सेम नीचे एक्सटेंड कर देंगे 7 इंच पे। और 7 इंच पॉइंट के ऊपर भी हम हमारी चेस्ट मार्क करेंगे 38 इंचेस। उसका 1/4 होगा 9.5। उसके बाद हम 14 इंच डाउन वेस्ट मार्क करेंगे। ओके, हमारी 34 इंचेस प्लस 35, तो 7 बाई 8, यानी कि 9 इंच में 2 mm कम। उसके बाद हम 20 इंचेस डाउन हमारा हिप मार्क करेंगे। हम हिप मार्क करेंगे और हिप हम लेंगे 1/4 ऑफ हिप, यानी कि 9.5 इंच। उसके बाद हम उस पॉइंट को नीचे एक्सटेंड कर देंगे। उसके बाद हम हमारी स्लीव को कर्व कर लेंगे। कर्व करने के बाद हम हमारे शोल्डर से 4 इंच डाउन पे एक पॉइंट मार्क करेंगे। ये देखिए इस तरीके, और फिर इस पॉइंट को हम एक्सटेंड कर देंगे स्केल से। इस बार हम इसे कट कर देंगे।
इसके बाद हम हमारी स्लीव कट करते हैं। स्लीव कट करने के लिए टोटल लेंथ हमारे मार्क कर रहे हैं 10 इंचेस। उसके बाद हम हमारी कैप हाइट जो है 3.5 इंच मार्क करेंगे। और ये हम 8.5 पे मार्क करेंगे। उसके बाद हम स्ट्रेट लाइन खींच के हमारे स्लीव को कर्व मार्क करेंगे। उसके बाद हम स्लीव ओपनिंग मार्क करेंगे जो कि हमारे 5 इंच। उसके बाद हम दोनों पॉइंट को मिला के एक लाइन खींच देंगे। उसके बाद हम स्लीव कट कर लेते हैं। स्लीव कट करने के बाद जो स्लीव का कैप हाइट वाला जो पोर्शन है वहाँ पे हम 2.5 इंच डाउन जाके मार्क करेंगे एक पॉइंट। और ऊपर 3.5। और उसके बाद हम इसे कर्व शेप में बना देंगे और कट कर देंगे। उसके बाद हमारा टॉप वाला जो पोर्शन है और स्लीव दोनों को रख के हमारा जो शोल्डर था राउंड शोल्डर वो देखते हैं कि 38 इंचज आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर उससे ज़्यादा आ रहा है तो हम स्लीव का पार्ट थोड़ा कट कर देंगे और टॉप का पार्ट भी साइड से कट कर देंगे आर्म होल साइड से। तो ये हमारा ज़्यादा आ रहा है, देखिए ऐसे हमारा 9.5 इंच और बनिंग थोड़ा इस नीचे हम 10 इंच कर सकते हैं, बट ये बहुत ज़्यादा आ रहा है तो हम इसको आर्म होल से स्लीव को कट करेंगे और थोड़ा टॉप को भी कट करेंगे। इस तरीके से देखिए। उसके बाद हम प्लेस करके मेजरमेंट चेक कर लेते हैं। तो अभी थोड़ा ज़्यादा है तो हम फिर टॉप का जो आर्म होल है वो भी कट कर लेते हैं। इसके बाद ही हमारा देखिए ठीक आ गया। अब हम जो स्लीव का जो ऊपर वाला पार्ट है इस पर हम सेम लेस लगा देंगे जो कि हमारा शोल्डर जो है वो शोल्डर टॉप जो है वो कंटिन्यूटी में रहे, उससे उसका लुक थोड़ा अच्छा आएगा। तो हम इस तरीके से जो बॉर्डर वाला पार्ट है वो उस पर लगा देंगे स्लीव पे। और ये देखिए मैंने बॉर्डर वाला पार्ट स्लीव के ऊपर अटैच कर लिया। बॉर्डर अटैच करने के बाद हम जो हमारी लाइनिंग है उसको मेन फैब्रिक से अटैच करेंगे। लाइनिंग को इस तरीके से रखेंगे और होल्ड करके एक स्टिच लाइन लगा देंगे इस तरीके से। देखिए हमने स्टिच कर लिया है हमारे दोनों पार्ट्स को लाइनिंग के साथ। अब हम इसके साइड से हम इसे स्टिच करेंगे। और उससे पहले हम स्टिच करने से पहले हमारा जो नीचे वाला बॉटम वाला पार्ट है उसको हम टर्न करके फोल्ड कर देते हैं। ये देखिए हमने साइड से स्टिच कर लिया है और हमारे बॉटम को भी हमने फोल्ड कर लिया है। अब हमारे स्लीव स्टिच करेंगे। स्लीव को पहले साइड से स्टिच करेंगे उसके बाद हम टॉप के साथ में अटैच करेंगे। इस तरीके से रखेंगे और स्लीव को स्टिच कर देंगे। ये देखिए हमने स्लीव को स्टिच कर लिया दोनों
अब हम इसे टॉप के साथ में अटैच करेंगे। सबसे पहले हम इसे पेन से अटैच कर लेते हैं ताकि हमारा ये अच्छे से स्टिच हो जाए और छोटा बड़ा ना रहे। पेन से अटैच, पेन से लगाने के बाद थोड़ा इजी रहता है। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना। सो स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।